दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। सावन के महीने में शरीर के इस अंग पर बांध लो काला धागा, तुरंत सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों सावन का पवित्र महीना चल रहा है, शरीर के इस भाग पर आज ही बांध लो एक काला धागा। शिव जी की कृपा से घर में धन धान के भंडार भर जाएंगे। अकूत धन और नवनिधियों के स्वामी धन के अधिपति कुबेर धन संपत्ति का वरदान देंगे, आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि पाकर आप सफल इंसान बन जाएंगे। दोस्तों सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू हो चुका है और यह 31 अगस्त तक चलेगा, तो सावन के महीने में जितना जल्दी हो सके इस शुभ समय की समाप्ति से पहले शरीर के इस भाग पर आज ही बांध ले काला धागा, बन जाओगे माला माल। सावन में काला धागा बांधने से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। हम बताएंगे शरीर के किस अंग पर बांधे काला धागा और क्यों बांधे, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है। अगर आप मेरे महादेव को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। अब चलते हैं उपाय की ओर। दोस्तों आपने कई बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को शरीर पर काला धागा बांधे हुए देखा होगा। कई बड़े उद्योगपतियों को काला धागा शरीर के विशेष हिस्से में, यहाँ तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों में भी आपको काला धागा बांधा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं इस सक्सेस का महामंत्र तो नहीं है? क्या ये वह उनकी सफलता के पीछे का राज है? आखिर लोग काले धागे क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है और इसीलिए किसी भी पूजा पाठ शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। परंतु दोस्तों काले वस्त्र धारण और काला धागा शरीर पर बांधना, दोनों में फर्क है। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों को नज़र न लग जाए इसलिए काला टीका लगाया जाता है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उज्जवल सच यही है कि उसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। काले रंग की महत्वता को तो स्वयं शक्ति की देवी माँ काली बताती हैं। आपने भगवान विष्णु जी के अनेक मूर्तियों मंदिरों में देखी होगी, वास्तु जैसे कि प्रभावशाली ग्राम काले पत्थर के रूप में विष्णु भगवान को माना गया है, किसी अन्य धातु और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं है। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा जाता है, जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी को अगर माथे पर लगाया जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्ते का ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया गया है, इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए बताया गया है। तो दोस्तों काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे विशेषता यह है कि यह किसी तरह की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकालने नहीं देता। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसा असरदार उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी, इतनी खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्यतः नकारात्मकता जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में अशुभता लाती है, वह इससे खत्म हो जाएगी। सही नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी होती है। आप चाहे कितने ही मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती है, चिंताएं बढ़ने लगती है, चिंता साथ में क्लेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है। पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है, लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। यह नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। ग्रह जनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी गई गलत चीजें और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नज़र लग जाना। ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है, हमारे ऊपर आंख गड़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर हो जाते हैं। लेकिन
आज का ये उपाय ऐसा प्रभावशाली उपाय जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा, ग्रह जनित दोषों को दूर करेगा, उनमें सकारात्मक वातावरण भर देगा। आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, भाग का लेखा जोखा प्रत्यक्ष में ला सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती काला धागा। थोड़ा हट के उपाय है ये। दोस्तों, काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं, कई सालों से इसे हाथ पैर गले और बाजू में बांधा जा रहा है। मूल रूप से इसे नज़र से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम आता है। दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। ये पंच तत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नज़र हमें लगती है, तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नज़र लगाने वालों की एकाग्रता से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हम तक, यानी कि जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हम तक नहीं पहुँच पाती और उसकी नकारात्मकता को भंग कर देता है, इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नज़र लगाने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती। इसको अलग अलग तरीके से उपयोग ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको उतना ही लंबा धागा लेना है। ये काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। अक्सर बड़े बुजुर्ग भी बच्चों को नज़र उतारने जैसे चीज़ों में काला धागा पहनाया करते थे और ये आज से नहीं बल्कि पुरानों कालों से चला आ रहा है। इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग, जब आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा पैदा हो तो उसकी किसी की नज़र ना लगे और उसमें किसी प्रकार के तंत्र मंत्र की प्रकोप ना हो तो काला टीका लगाया जाता है। शादी के समय भी दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। ये काला धागा सदैव, ये जो काला रंग है सदैव बुरी शक्तियों को रक्षा करता है। तो काला धागा लेकर आपको नज़दीक के किसी भी शनि मंदिर या फिर हनुमान जी के मंदिर जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनिदेव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो लेना है या फिर थोड़ा सा तेल उस धागे पर लगा लेना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठ लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की जो बड़ी समस्याएं हैं, 7 गांठें लगाते वक्त आपको भगवान को बतानी है। आपको धन संबंधित समस्याएं में जो कार्य में अड़चने आती है, उस यानी कि जो भी प्रकार की अड़चने हैं, संतान से जुड़ी कोई परेशानी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, पारिवारिक जीवन में क्लेश कलह हो, हर एक समस्या को एक गांठ लगाते समय आप बोल दें। इस तरह से आप 7 समस्याओं हेतु 7 गांठ बांध दें। फिर भगवान के चरणों में एक दीपक जलाकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें 21 बार। और अगर हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर करें। उसके बाद जिस धागे में आपने गांठें लगाई है उस धागे को दीप के ऊपर 7 बार आप घुमा लें और फिर घुमाते समय ओम शम शनिश्चराय नमः ओम हनु हनुमते नमः इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। फिर आप किसी को कोई बताना नहीं है, चुपचाप अपने घर आपको चले आना है और इसे एक रात के लिए इस धागे को अपने घर के मंदिर पूजा स्थान पर रख दें। अब इस धागे को अपने जिस किसी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय करना चाहते हैं उस व्यक्ति के बाजू में आप यानी कि बांध दें, उस व्यक्ति के बाजू में बांध दें, या फिर आप यानी कि जैसे कोई बीमार पड़ा है तो उसके गले में बांध दें, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा और इतना धन आएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आप एक काला धागा आप शिवलिंग के ऊपर जाकर रख दें, भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आप रख दें और फिर एक लोटा जल चढ़ा दें और इस काले धागे को जल से भिगो दें। इसके बाद इस काले धागे को लेकर आएं और आप अपने तिजोरी में बांध दें, अपने धन के स्थान पर बांध दें। आप देखेंगे कि सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, किसी प्रकार की मनोकामना हो जरूर पूरी होगी। दोस्तों, एक और उपाय, आप एक काला धागा लेकर जाएं शनि मंदिर या फिर आप जाएं हनुमान मंदिर लेकर जाएं। और आप शनि मंदिर जाते हैं तो सरसों का तेल लगा लें, हनुमान मंदिर जाते हैं तो सिंदूर लगा लें
और फिर आप अपनी मनोकामना बोलते हुए शनि मंदिर गए हैं तो शनि मंदिर के आप गिट पर ही बांध दें अपनी मनोकामना बोलते हुए, और हनुमान जी के मंदिर गए हैं तो हनुमान जी के मंदिर में बांध दें। देखेंगे कि आपके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे, आप को दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये आपको खास जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करके इसे अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करिएगा। कमेंट में लिखेगा हर हर महादेव। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद।